जैसे कि हम आगमन काल को समाप्त करने और क्रिसमस काल को शुरू करने वाले हैं, पलोटी संस्थान आपके साथ संत विंसेंट पलोटी की शिक्षाओं को कि कैसे मसीह का जन्म और हमारे दैनिक जीवन में उसका अनुकरण करने की आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहती है। पलोटी ने जोर देकर कहा कि ईसा मसीह का जन्म और उनकी बाल्य व्यवस्था हम सब के द्वारा अनुकरण करने के लिए आदर्श है। विंसेंट पलोटी हमारे सामने मसीह के जीवन को मौलिक नियमों के रूप में रखते हैं और उनका पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन 33 नियमों के आधार पर जो उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए ईसा मसीह के जीवन के बारे में लिखे थे, लगभग 13 नियम सीधे तौर पर ईसा मसीह के शैशवावस्था और बाल्यावस्था का जिक्र करते हैं। उन्होंने मसीह के अवतार में विनम्रता, आज्ञाकारिता, गरीबी और बलिदान की भावना की आदर्श का उदाहरण देखा। बालक यीशु की यह सरलता हमें इसके लिए प्रेरित करती है कि हम पारस्परिक संबंधों में खुलें और ईमानदार बने रहें। प्रभु यीशु याद दिलाते हैं कि युद्ध, आतंकवाद, जबरन पलायन और हर अमानवीय जीवन की स्थिति में से प्रभावित मानवता के संघर्षों और कष्टों को दूर करने के लिए जिम्मेदारी देती है। ईसा मसीह के जन्म पर चिंतन करते हुए संत पापा बेनेडिक्ट सोलवे ने कहा कि हमारे मुक्तिदाता के जन्म को स्वीकार करने से हम अपने जीवन के प्रारंभ का उत्सव मनाते हैं। मसीह का जन्म हमारे जीवन का स्रोत है। प्रमुख का जन्मदिन मतलब शरीर का जन्म और साथ में चर्च का भी। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर विश्वासी मसीह में फिर से जन्म लेता तो वह अपने मूल स्वभाव के पुराने मार्गों को छोड़ देता है और एक नया मनुष्य के रूप में परिवर्तित होता है। यीशु मनुष्य का पुत्र बना ताकि हमें परमेश्वर की पुत्र और पुत्रियों होने की शक्ति मिल सके। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि ईसा मसीह का जन्मदिन शांति का जन्मदिन है, इसलिए शांति के प्रतिनिधि बने क्योंकि इसके बिना कोई भी ईसाई कभी भी सही मायने में मसीह का जन्मदिन नहीं मना सकते। अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ मिठाइयां बांटना और दुनिया में शांति का सद्भाव स्थापित करना, विशेष रूप से हमारे पड़ोसियों में हमारी आंतरिक लालसा को प्रकट करता है। संत पापा फ्रांसिस हर ईसाई भाइयों एवं बहनों को याद दिलाते हुए इस पहलू पर प्रकाश डालते हैं कि हम क्रिसमस, वृक्ष, सजावट, रोशनी, गायन और बधाई आदि हैं। हमारे शब्द और विचार मसीह के आनंद को फैलाना चाहिए। हम अंधे नहीं रह सकते पीड़ित मानवता के प्रति। हमारे असंवेदनशील दिल, विचार और प्रार्थनाएं देहधारी परमेश्वर शांति के राजा के प्रति उठाएं ताकि वह हमें दुनिया भर में हमारे भाइयों बहनों के संघर्ष और पीड़ा के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील होने के लिए प्रेरित करें। मैसूर पलोटी संस्थान की ओर से आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं एक उज्ज्वल नव वर्ष 2023 के लिए।